एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संगीता ऑफिशियल ब्लॉग। सो कैसे आप लोग, होप तो आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज की रेसिपी मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो रेसिपी है ना मेरी बचपन से जुड़ी हुई है। तो बचपन से जो जुड़ी हुई रेसिपी होती है ना काफ़ी ज़्यादा याद आ जाती है। सो जो रेसिपी है देखिए, ये मेरी फ्रेंड की रेसिपी है, उसकी मम्मी बनाती थी। आई थिंक तो मुझे याद नहीं है, छोटी थी मैं थोड़ा। सो मेरी फ्रेंड छोटी, मतलब ज़्यादा छोटी भी नहीं थी एक्चुअली, मैं 8 या फिर 6-7 क्लास में थी। तो मेरी फ्रेंड के घर पे जब भी मैं दोपहर में जाती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड नीलम नाम है उसका, तो वो ऐसी भाजी बनाती थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। स्पेशली सेम की भाजी, तो सेम तो नहीं था बट ये सेम के जैसा ही था, उसको सेम का ही पार्ट होता है। तो वो मैं लेके आई थी एंड ये रेसिपी स्पेशल मुझे खाने का मन बोल रहा था, याद आ रही थी। तो मैंने उसको फ़ोन पर पूछ के मैंने उसे रेसिपी ये मैंने अपलोड की है, सोचा आपके साथ शेयर करूं। उसका मुझे बनाने का तरीका थोड़ा यूनिक लगता था एंड खाने का जो भी मैंने सीखा है, थोड़ा इंटरेस्ट आया था ना मुझे बनाने के लिए, मेरी फ्रेंड से मैंने सीखा था। एंड उसकी बड़ी दीदी जो थी वो भी काफ़ी अच्छे से डिफरेंट से स्टाइल में खाना बनाती थी, तो उन्हीं से सीखा है। तो देखिए मैंने कढ़ाई गर्म की थी, उसमें मैंने जो कोकोनट था उसको मैंने परोश करके रख लिया था। अगेन फिर उसी बचे हुए तेल में मैंने जीरा डाला, काली मिर्च डाला, लहसुन डाला, अदरक डाला, इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। भूनने के बाद में इसमें हम क्या डालेंगे, हमारा अनियन डालेंगे और जो सूखी धनिया होती है ना वो डालेंगे। एंड उसके बाद में सारे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। एंड ये देखिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है। एंड नीलम ये वीडियो तो देख रही होगी, तो सच में तेरी बहुत याद आ रही है, जो मैं दोपहर में हम जाते थे स्कूल से आती थी, मैं तेरे साथ जाती थी, फिर तू खिलाती थी, साथ में एक ही थाली में बैठ के खाते थे। वो भी क्या दिन थे यार, बहुत याद आती है। फिर इसलिए बचपन की लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो ये देखिए सारे मसाले में भी अच्छे से इसमें भून ले रही हूँ। कांदा मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि कांदा थोड़ा सा वो उसको पकने के लिए टाइम उतना नहीं लगता है। तो पहले ये मसाले जो मैं पका लूँगी, वरना कांदा भी डाल दूँगी तो कांदा हमारा पकने में टाइम लगेगा। सो ये देखिए मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी, उसको भी अच्छे से चला लिया है। एंड उसके बाद में हमारे मसाले अच्छे से थोड़े भुनने लगेंगे। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, मैंने जो कांदा है वो भी ऐड कर लूँगी। मैंने एक बड़ा कांदा लिया था, उसको भी अच्छे से मैं मतलब इसमें भून लूँगी। थोड़ा सा तेल कम था तो मैंने एक्स्ट्रा इसमें तेल बाद में ऐड किया था। आई थिंक तो उसका वीडियो मैंने शूट किया कि नहीं शूट किया याद नहीं है, बट थोड़ा तेल मैंने बाद में भी ऐड किया था। मैं कोशिश करूँ मैं तेल थोड़ा कम खाऊँ, गर्मी आ गई है तो तेल थोड़ा कम यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, बट कुछ ज़्यादा ही कम हो गया था। सो ये देखिए हमारा जो मसाले हैं वो अच्छे से भुनने लगे, क्योंकि तेल मैंने ऐड कर दिया था, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद में इस मसालों को हम अच्छे से मैं निकाल लूँगी थाली में। और ये देखिए मैंने लास्ट में सॉरी टमाटो ऐड किया था और धनिया ऐड किया था हरा, ये भी मसाले थे। और ये ऐसे ही भाजी बनाती थी, जब उसको ग्रेवली भाजी खानी रहती थी ना तो वो ऐसे ही बनाती थी, वो अपनी दीदी से सीखती थी और मैं उससे सीखती थी। तो हम खाते रहते थे और फिर यहाँ वहाँ की बातें करते रहते थे। याद आ रही है, सॉरी आप लोग को पका रही हूँ। तो ये देखिए जो मसाले हमारे हैं अच्छे से भून चुके हैं, टमाटो भी नरम हो चुका है, कांदा भी हो चुका है। अब सारे मसालों को मैं अच्छे से एक प्लेट में निकाल लूँगी, ठंडा होने के लिए रख दूँगी। एंड ये देखिए धुएँ की वजह से, उसका जो भाप की वजह से आपको कैमरे में ब्लर दिख रहा होगा। अब ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, ठंडा करने के लिए मैं रख दूँगी फ़ैन में। उसके बाद में इसका हम पेस्ट बनाएंगे। देखिए मैंने जार में भी रख लिया, ठंडा हो चुका था। एंड बारीक से इसको पीस लेना है। पीसने के बाद में इसमें अब सरसों का तेल तो मस्ट है, क्योंकि वो सरसों का तेल ही यूज़ करती थी। सरसों का तेल डाला मैंने उसमें, सरसों का तेल हमारा जो गर्म हो जाएगा, उसके बाद में इसमें हम जो तड़के के लिए जो हमारा जीरा डाला मैंने। एंड हाँ गाइस, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि फ्यूचर में मिली वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की जो मेरी आई डी संगीता_official12 है, तो प्लीज़ आप वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। देख सकते हैं जीरा हमारा क्रैक होने लगा, उसके बाद में फिर से मैंने अनियन डाल दिया है। अनियन को भी हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एंड आप यकीन कीजिए वॉइस ओवर करने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बनाने में एडिटिंग करने में कभी जो वॉइस ओवर करना पड़ता है बहुत ध्यान देना पड़ता है, सांस एक ही सांस में बोलना रहता है, या फिर रुको बहुत स्लो भी नहीं ले सकते, कंटिन्यू बोलना पड़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। देखिए कांदा हमारा नरम हो चुका है, जो सारे मसाले थे इसमें मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा पानी जो हमारी जार में लगे हैं मसालों, उसमें पानी डाल के इसमें ऐड कर दूंगी। एंड मसालों को काफ़ी अच्छे से पकाना आप याद रखिए। ऊपर से देखिए मैंने गरम मसाला डाल दिया है थोड़ा सा, आप कोई भी मसाला डाल सकते हो, आपके ऊपर है। हल्दी डाला है, हल्दी डालने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और उसके बाद में मसालों को अच्छे से भून लूँगी।
एंड आप ये रेसिपी ट्राई करना आपके घर पे एंड बताना कैसे बना है। यकीन मानिए मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, और स्पेशली ऐसी रेसिपी मैंने तो उसके घर पे जब भी खाना खाया है नीलम के घर पे सेम की भाजी ही खाया है। वो सेम को मैंने, हाँ मैंने सेम को जो क्या किया था, मैंने सेम को ना बॉईल कर लिया था, उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद में बॉईल कर लिया था। एंड वो मैंने आपको नहीं दिखाया, वो बाद में दिखाऊंगी, अभी याद आया तो सोचा आपको बता दूँ। अभी देखिए पानी भी इसमें ऐड कर दिया है और सारे मसालों को अच्छे से पका दूँगी, मतलब पकने के लिए छोड़ दूँगी मैं। एंड हाँ, आप तो सेम को क्या कर सकते हो, आप तेल में भी उसको भून सकते हो, बट मुझे तेल अभी, जैसे कि मैंने बोला, तेल थोड़ा कम यूज़ करना चालू किया है मैंने, सो उसके लिए मैंने जो सेम थे उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, हमारा मसाला जब अच्छे से पकने लगेगा उसके बाद में आगे का मैं आपको प्रोसेस दिखाती हूँ। सो ये देखिए मसाला हमारा जो है पक चुका है, आप देख सकते हैं एकदम ज़्यादा, मतलब साइड साइड से तेल हल्का सा छोड़ने लगा था। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं और ऐड कर दूंगी, क्योंकि आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, ये थोड़ी ये भाजी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, ये सूखी नहीं अच्छी लगती है, आप चावल के साथ खा सकते हो, राइस के साथ में। नमक मैंने ऐड कर दिया है, नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। एक मैंने 1.5 चम्मच इसमें देखिए नमक ऐड कर दिया है। फिर अगर मैं इसको पकने के लिए थोड़ा सा छोड़ूंगी, जब उसमें उबाल आने लगेगा ना, ये देखिए सॉरिया, मैंने इसमें अभी जो हमारा जो सेम था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। एंड परफेक्ट नहीं हो तो इग्नोर करना, अभी जो मैंने मतलब रॉन्ग बताया, उल्टा प्रोसेस बताया, सो प्लीज़ प्लीज़ उसके लिए सॉरी। एंड ये देखिए अभी मैं अगर उसको रिपीट भी करने चाहती तो मुझे फिर से मेहनत करनी पड़ती। सो ये देखिए मैंने इसमें सेम डाल दिया है, अब मैं इसको पका दूँगी। एक्चुअली मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया, जैसे का तैसे ही मैंने इसमें वॉइस ओवर करना चालू कर दिया है, इसके लिए मुझे इतना आइडिया नहीं था। सो ये देखिए अब इसमें मैंने ढक दिया है, ढकने के बाद पकने के लिए छोड़ दिया है। फाइनल देखिए सब्जी हमारा जो है कुछ ऐसा बना है, एंड बहुत बहुत अच्छा बना था, एंड पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी ये सब्जी। तो याद आई तो मेरी फ्रेंड गांव गई, उससे मैंने पूछा, वो बाहर थी बट बेचारी ने मुझे बताया रेसिपी। एंड में मैंने धनिया डाल दिया है, सॉरी देखा स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, कैसे बोल रही हूँ मैं, धनिया डाल दिया। एंड तो अच्छा लगेगा आपको रेसिपी, तो प्लीज़ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के